करेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा पुराने वाली स्थिति पैदा करेंगे और पुराने वाली खौफ का माहौल पैदा करेंगे, तो ये तादाद में ज़्यादा नहीं है। आम को सुरक्षित रखने के लिए जब पुलिस के जबान जो SPOB शामिल हैं इस तरीके से चढ़बढ़ कर काम करते हैं, तो उनका हौसला अफजाई के लिए जब हम उनको कॉन्स्टेबल्स में ऑब्जर्व करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये एक समारोह के तहत उनके घरवाले कम्युनिटी आवाम से ही सब इस चीज़ की फख्र महसूस करें कि अपने लड़के, अपने गांव के लड़के, अपने शहर के लड़के जो है इसमें चढ़ बढ़ के अपना मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, उनका हिफाजत के लिए काम करिए। तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ आया जाए, लोगों के बीच में शामिल होकर इसको सराहा जाए। सर अभी क्या कंडीशन है पूरे इलाके की सिचुएशन के हवाले से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, तो और जगह में भी हम टाइम टू टाइम बताते आ रहे हैं कि एक एडवर्सरी ने, एनिमी ने एक हमें चुनौती दी है और वो समझते हैं कि बॉर्डर है तो बॉर्डर का फ़ायदा लेते हुए बाहर के टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट को भेज के ये यहाँ पे फिर दोबारा पुराने वाली स्थिति पैदा करेंगे और पुराने वाली खौफ का माहौल पैदा करेंगे, तो ये तादाद में ज़्यादा नहीं है। और हम पूरा डिटरमिंड है इस बात का कि आवाम के साथ और बाकी साथी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, J&K पुलिस जो है वो आवाम के साथ मिलकर, इनको पहले भी शिकस्त दी है, इनको पता है कि ये किसी के नहीं है, कोई कानून के दायरे में नहीं है, इन्होंने कत्लेआम किए हैं, इन्होंने भेड़ू खा के पैसे नहीं देंगे, थोड़े ही दिन की बात है, इन्होंने अपने पूरी जो है रंग में उतर आएंगे और लोगों को तरसाएंगे और फिर लोग दबी आवाज़ में इसको सहने लगेंगे, ये वाली स्थिति पैदा करने की जो कोशिश है इनकी, ये और नहीं हो सकता है, इसमें आवाम हमारी साथ है, हम इनको निपट लेंगे। सर अभी कितने ग्रुप एक्टिव हैं, तो कितना फ़ायदा आपको बॉर्डर बटालियन से होगा? अब आगे दिनों में तो पता चलेगा, अभी तो लड़कों ने अभी बॉर्डर पर गए हैं, मतलब वो तो एकदम से फ्रंट पर नहीं जाते हैं, पीछे रहते हैं, उनका एक ड्यूटी एक और तरीके की है जिसमें इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाने पर एकदम से रिएक्ट करना, लोगों के साथ बना के एक माहौल बनाना, तो बाकी विलेज डिफेंस ग्रुप या इस तरीके की एक तंत्र बना के, एक सिस्टम बना के जिसमें गुजरने से कोई अगर जाता है तो उसके लिए काम कठिन कर देना कि घुसे तो घुसने के बाद तुरंत पकड़ा जाए या फिर जाने में उसको इतनी तकलीफ हो जाए कि वो सोचे ना कि यहाँ से वो